गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु अर्जन देव जी इन राग टोडी अंग 717 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। लेट्स रीड इट अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा विच मीन्स इन द साध संगत द कंपनी ऑफ द लॉर्ड आई कॉन्टेम्पलेट द नेम ऑफ द लॉर्ड हर हर। सहज आनंद होवे दिन राति अंकर पलो हमारा रहाओ विच मीन्स आई एम इन पीसफुल पॉइज एंड ब्लिस डे एंड नाइट द सीड ऑफ माई डेस्टिनी हैज स्प्राउटेड रहाओ। गुरपुरा पेटियो बड पागी जाको अंत न पारा वारा विच मीन्स आई हैव मेट द ट्रू गुरु बाय ग्रेट गुड फॉर्चून ही हैज नो एंड नो लिमिटेशन। करगे काट लियो जन अपना बिख सागर संसारा विच मीन्स टेकिंग हिज हम्बल सर्वेंट बाय द हैंड ही पुल्स हिम आउट ऑफ द पॉइजनस वर्ल्ड ओशन। नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट टूडे। ठीक है, हमारे जो कर्म है, हमारे डीड्स है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? द क्वालिटी ऑफ एक्शंस वी टेक, द कंपनी वी कीप, और अच्छे ठीक एक्शंस लेने के लिए हम गाइडेंस किस तरह के लेते हैं। और ठीक एक्शन, राइट एक्शन, राइट टाइम पे लेने के लिए हम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज मोर ऑफ माइंड मैनेजमेंट। देखिए, एक्शंस की अगर हम बात करें तो वट एवर वी सो सो शैल वी रीप। बर्ड अपने लाइफ टाइम में जब वो जिंदा होती है तो वो क्या खाती है? आंट्स। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर आंट्स उसको खाती हैं। सो वट एवर यू सो सो शैल यू रीप। और हमेशा एक बात याद रखिए कि टाइम जो है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जब हम क्वालिटी ऑफ एक्शंस की बात करते हैं तो बहुत डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह का एक्शन ले रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। देयर वॉज दिस मैन, वो मंदिर के अंदर माथा टेकने जाना चाह रहा होता है और उसके जो जूते होते हैं वो नए होते हैं, ब्रांड न्यू। अब वो सोचता है कि ये जूते तो मेरे बाहर चोरी हो जाएंगे, बट अब उसको मंदिर के अंदर तो जाना ही होता है। तो वो पास में एक भिखारी बैठा होता है, वो उसको बोलता है कि तुम मेरे ज़रा जूतों का ध्यान रखना, नए हैं, मैं ज़रा माथा टेक के आता हूँ। सो भिखारी अग्रीज टू इट, ही गोज इनसाइड, वहाँ अपना माथा टेकते हैं और भगवान के आगे प्रे करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये भिखारी कितना अच्छा है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई शूज़। तो वो भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, इस भिखारी को मैं 100 रुपया दूंगा। देन ही सेज़, नहीं भगवान, मैं 150 रुपया दूंगा बिकॉज उसने मेरी इतनी हेल्प करी है। तो वो बाहर आता है तो वो देखते हैं ना उसके जूते और ना भिखारी। सो ही इज़ रियली सरप्राइज्ड अबाउट इट। थोड़ी दूर वो जाता है तो वो देखते हैं एक जूतों की दुकान है जहाँ पे शूज़ हैं। तो वो देखते हैं कि उसके शूज़ भी वहीं पे ब्रांड न्यू शूज़ के साथ पड़े होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये शूज़ आपको कहाँ से लिया आपने? तो वो कहते हैं अभी एक भिखारी आया था, वो 100 रुपये में मुझे ये शूज़ बेच गया। तो अब देखिए, पहले भिखारी ने एक अच्छा काम करने के लिए ही अग्रीड टू इट, और उसको किस तरह का रिवॉर्ड मिलने वाला था? 150 रुपये का। बट उसके बाद शायद भिखारी का मन बदल गया, या पहले से ही उसके मन के अंदर कुछ चोर होगा। तो व्हाट ही डिड, ही वेंट एंड सोल्ड दैट पेयर ऑफ शूज। सो लॉट डिपेंड्स ऑन और क्वालिटी। हम बैठे बैठे, चुपचाप बैठे भी कुछ अच्छा काम करते रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचते रहें, तो पता नहीं है कि हमें किस तरह का रिवॉर्ड कहाँ से मिल जाएगा। दिस इज द मैजिक इन लाइफ विच कीप्स हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। एंड वेन वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एज आई सेड, टाइम मैनेजमेंट इज मोर ऑफ माइंड मैनेजमेंट। देखिए, बड़ा सिंपल है, आप अपने सेकंड्स कैसे मैनेज कर रहे हो उससे डिफाइन हो रहे हैं आपके मिनट्स। आप अपने मिनट्स कैसे स्पेंड कर रहे हो उससे डिफाइन हो रहे हैं आपके आवर्स,
आप अपने आवर्स कैसे स्पेंड कर रहे हो उससे डिपेंड कर रहे हैं आपके डेज, और डेज से मंथ्स और मंथ से इयर्स। तो इस मोमेंट पे अगर आप राइट एक्शन ले रहे हो, आपको राइट एक्शन की नहीं समझ में आ रही तो आप गाइडेंस ले रहे हो उस राइट एक्शन को लेने की, तो आपका अगला पल उसी से ही डिफाइन हो रहा है, उसी से ही प्रॉबिबिलिटी बढ़ रही है दैट यू विल हैव व्हाट काइंड ऑफ फॉर्च्यून। सो इस मोमेंट पे क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह के कंपनी में बैठे हो और क्या खा रहे हो और क्या कर रहे हो, आपका अगला पल उस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स डू वन प्रैक्टिस टुडे। आज पूरा दिन इस बात को प्रेजेंट होके देखिए कि आप अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो किस तरह स्पेंड कर रहे हो। आर यू टेकिंग द राइट एक्शन? आर यू टेकिंग द काइंड ऑफ गाइडेंस? इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रेस द राइट एक्शन, तो आज आप पूरा दिन इस चीज़ के लिए प्रेजेंट होइए कि प्रेजेंट मोमेंट्स आपके किस तरह से स्पेंड हो रहे हैं। सो डू दिस, प्रैक्टिस इट, इंटरेस्ट लेके आज पूरा दिन पल पल को प्रेजेंट रहिए, देन सी व्हाट हैपेंस, हाउ यू फील, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी। टेक केयर, बाय बाय।